सुप्रभात अभिनंदन। आज की संस्कृत की कक्षा में हम कल वाले उपविषय को ही आगे लेकर आगे बढ़ेंगे और जिसके अंतर्गत हमने सर्वप्रथम पाठ 5 रमा बाई इसके अनुवाद को समझा, इसके सार को समझा और इसके पश्चात हमने इसके लघु प्रश्न उत्तर किए। आप सभी ने इसके लघु प्रश्न लिख लिए होंगे और साथ ही इसके सार को भी समझ लिया होगा। थोड़े से शब्दों में इसके सार को मैं एक बार पुनः आपको समझाना चाहूंगी, जिससे कि इसके जो दीर्घ प्रश्न है वो आपको आसानी से समझ में आ सके। पाठ 5 पंडिता रमाबाई के अंतर्गत रमाबाई के उत्पन्न होने, उनके माता पिता की दशा और उनके संघर्षों का वर्णन है। पंडिता रमाबाई के समय में स्त्रियों को पढ़ने लिखने, विशेष रूप से संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था और यदि कोई ऐसा करता था तो उसे सामाजिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी, जैसे कि पंडिता रमाबाई के पिता को झेलनी पड़ी जब उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दी। अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा देने के पश्चात पंडिता रमाबाई ने अपनी माता से ही संस्कृत की शिक्षा को प्राप्त किया। उनके पिता का नाम अनंग शास्त्री और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। इसके पश्चात उनके पिता गरीब हो गए और अकाल के कारण उनके पिता, माता और बड़ी बहन का देहांत हो गया। इन तीनों के देहांत हो जाने के पश्चात रमाबाई अपने बड़े भाई के साथ भारत भ्रमण पर निकली और कलकत्ता पहुंची। वहां जाकर उन्हें पंडिता की और सरस्वती की उपाधि से विभूषित किया गया। इसके पश्चात उन्होंने संस्कृत शिक्षा के लिए विशेष कार्य करना प्रारंभ किया और विभिन्न आंदोलन किए जो स्त्रियों की शिक्षा के लिए थे। इसके पश्चात वे अपनी पुत्री मनोरमा के साथ कलकत्ता वापस आ गईं। वहां आकर भी उन्होंने नारी शिक्षा के लिए अनेक काम किए और फिर उच्च शिक्षा के लिए विदेश चली गईं। विदेश में वे इंग्लैंड देश गईं और वहां ईसाइयों के द्वारा जो स्त्री शिक्षा को शिक्षा के लिए स्त्रियों को जो शिक्षा के विशेष अधिकार प्राप्त थे उनसे वो बहुत प्रभावित हुई। उनसे प्रभावित होने के पश्चात वो अमेरिका गई और वहाँ उन्होंने विधवा स्त्रियों के सहायतार्थ कुछ धन इकट्ठा किया और वापस आकर मुंबई में शारदा सदन की स्थापना की। उसके बाद उसे पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया और इस प्रकार स्त्रियों के लिए कार्य करते करते अंत में उनकी मृत्यु हो गई। उनके द्वारा लिखे गए 2 मुख्य काव्य हैं जो स्त्री शिक्षा के आधार पर ही लिखे गए हैं और इस प्रकार उनके जीवन के बारे में हमने इस पाठ के अंतर्गत बहुत कुछ जाना है। कल हमने इसके लघु प्रश्न किए थे और आज मैं इसके प्रश्न नंबर 2 के प्रति आपको समझाना चाहूंगी। प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत हमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं और उन पंक्तियों में एक शब्द को अंडरलाइन किया गया है और उसी शब्द पर आधारित होकर हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। इसके अंतर्गत आपकी पहली पंक्ति में रमायाह पिता समाजस्य प्रातारणाम असहत। रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहन किया। इस पंक्ति में रमायाह यह शब्द अंडरलाइन है और इसी के आधार पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो प्रश्न कैसे बनेगा कि रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहा। क्वेश्चन बनता है किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहा, तो किसके पिता ने, रमा के। तो षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत का के की और षष्ठी विभक्ति रमा शब्द रूप के अनुसार बनता है कस्या। कस्या किन धातु के अनुसार, अर्थात कस्या पिता, किसके पिता ने समाजस्य प्रातारणा असहत। पत्यु मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। पिता पति की मृत्यु के पश्चात
रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई। अब पत्यु शब्द जो है वो अंडरलाइन है, इनके पति का क्या नाम था, विपिन बिहारी। तो किसकी मृत्यु के बाद लौटी, तो किसकी शब्द के लिए, कस्य अर्थात कस्य मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत्। किसकी मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई, तो हमें पत्यु शब्द के स्थान पर यहाँ पर क्या शब्द प्रयोग करना है, कस्य। तृतीय, रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापय, कि रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। अंडरलाइन शब्द है मुंबई नगरे, तो प्रश्न क्या बनेगा, कहां पर, कि रमाबाई ने कहां पर शारदा सदन की स्थापना की। कहां के लिए शब्द प्रयोग करते हैं, पुत्र, रमाबाई पुत्र शारदा सदनम स्थापयत, रमाबाई पुत्र शारदा सदनम स्थापयत। ठीक है, अगला, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत, कि रमाबाई महोदया का निधन हो गया। तो इसमें रमाबाई महोदया यही शब्द मुख्य रूप से इसको अंडरलाइन किया गया है और हमें इसी का प्रश्न बनाना है। तो 1922 में किसकी मृत्यु हुई, रमाबाई महोदयन की मृत्यु हुई थी, लेकिन हमें प्रश्न बनाना है रमाबाई महोदया तो किसकी मृत्यु हुई, कस्या, सिर्फ रमाबाई महोदया इस शब्द के स्थान पर कस्या शब्द का प्रयोग में करना है। स्पष्ट है आपको, स्त्रीय शिक्षा लभन्ते स्म, स्त्रियों को शिक्षा लेनी चाहिए, मिलनी चाहिए, या तो इसमें अंडरलाइन शब्द है स्त्रियः, और हमें इसका प्रश्न बनाते हुए शब्द का प्रयोग करना है का, किसको शिक्षा मिलनी चाहिए, कि का शिक्षा लभन्ते स्म, इसको शिक्षा मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार हम इन प्रश्नवाचक शब्दों के द्वारा इस अभ्यास का आकार, ये जो प्रश्न नंबर 2 है, इसे हम पूर्ण करें। ठीक है, अगले प्रश्न के अंतर्गत हमारे दीर्घ प्रश्न आते हैं, हमारे केवल ये 4 प्रश्न हैं और आप इन्हें समझेंगे और बिल्कुल ध्यान से 2 से 3 बार इस वीडियो को सुनेंगे, जिससे आपको एक एक चीज स्पष्ट हो जाए और लिखते हुए आपसे अधिक गलतियां ना हो, इसके लिए मैं आपकी सहायता के लिए खुद भी लिखकर आपको इसको भेज दूंगी, तो आप उससे भी उसे मैच कर सकते हैं कि आपने कार्य सही किया है। देखिए पहला प्रश्न, रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाबाई ने किसके लिए आंदोलन प्रारंभ किया। उत्तर लिखेंगे रमाबाई स्त्रीणार्थम, रमाबाई स्त्रीणार्थम आंदोलनम प्रारंभ। ठीक है, दूसरा प्रश्न, निस्सहाया स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते, निस्सहाय स्त्रियों के लिए आश्रम में क्या क्या था। अब निस्सहाय स्त्रियों के लिए आश्रम में क्या क्या था, निस्सहाय स्त्रीणाम कृतम आश्रमे किम किम लब्धम स्म, कि निस्सहाय स्त्रिय आश्रमे मुद्रण टंकण काष्ठ कला आदि नाम प्रशिक्षण लभन्ते स्म, निस्सहाय स्त्रिय आश्रमे मुद्रण टंकण काष्ठ कला आदि नाम प्रशिक्षणम लभन्ते स्म। तृतीय प्रश्न, कस्मिन विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति, कि किस विषय में रमाबाई महोदय का जो योगदान है वो है, स्त्री शिक्षायां समाज सेवायां च, स्त्री शिक्षायां समाज सेवायां च रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति, स्त्री शिक्षा और समाज सेवा के लिए रमाबाई का विशेष योगदान है। स्पष्ट है, अंतिम प्रश्न के अंतर्गत केन रचना द्वेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते,
कि किन दो रचनाओं के लिए रमाबाई की प्रशंसा की जाती है, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन। इति रचना द्वये रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। इन दो रचनाओं के लिए रमाबाई की प्रशंसा होती है या रमाबाई की प्रशंसा की जाती है। इस प्रकार ये चार प्रश्न और आपके दूसरा प्रश्न आपको पूर्ण करना है और अपने अभ्यास पुस्तिका में भी लिखना है।